वी आर द एग्रीड एसआई कैंडिडेट्स जो आज यहाँ पर गैदर जितना हुआ है. सो हम लोग का आज का मेन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट इज अ फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो 18 नवंबर 2022 में हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था रिगार्डिंग द मेल प्रैक्टिसेस एंड एफआईआर इन कनेक्शन विद एसआई 2021 ऑफ सिविल आईआरबीएन. सो उसका रिगार्डिंग हम लोगों ने एक एफआईआर दिया था 17 नवंबर 2022 में, एसआईसी में दिया था ये एफआईआर. सो उसमें भी हम लोगों ने बोला था, जब 18 नवंबर 2022 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा था, तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये एग्जाम में मेल प्रैक्टिसेस हुआ है. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज थे, इसका हमने बहुत सारा आप लोग को पॉइंट्स भी बताया था कि किस किस तरह से है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंस में हम लोग ने बताया था, उसका प्रीलिम्स में जिस तरह का जो प्रैक्टिस हुआ है, सो वो सब हम लोग ने सब कुछ आप लोग को बताया था. और अभी तो ये क्रिस्टल क्लियर है. एरएस 5 जनवरी 2023 को एक फ्रेश रिलीज आया था फ्रॉम एसआईसी दैट 6 ट्रेनी एसआई कैडेट्स हैज बीन अरेस्टेड. सो 6 अरेस्ट हुआ था, उसमें से टॉप 1 से लेके 5 तक अरेस्ट हुआ है. दैट मींस जब टॉपर से अरेस्ट होता है एग्जाम में, दैट मींस तो एग्जाम तो आपका वो टोटली इसमें मेल प्रैक्टिस हुआ है, बहुत खराब से हुआ है. बिकॉज वी फर्मली बिलीव दैट यहाँ पे और बहुत सारा है मेल प्रैक्टिसेस, ये 6 सिर्फ नहीं हुआ है, और बहुत सारा है. नाउ ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो केस है इसको सीबीआई ने अभी ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है. एसआईसी से सीबीआई ने केस को ले लिया है. एंड अभी तक तो और फर्दर अरेस्ट नहीं हुआ है, बट वी फर्मली बिलीव दैट मोर अरेस्ट विल बी डन इन कमिंग डेज. सो वी फर्मली बिलीव इन सीबीआई कि और अरेस्ट शायद किया जाएगा. तो अभी मेन पॉइंट है हम लोग का यहाँ आने का. सो ये एग्जाम जैसे कि मैंने बोला है कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा मेल प्रैक्टिसेस जब हुआ है, दैट मीन्स ये एग्जाम का कहीं मतलब ट्रांसपेरेंट था, ये एग्जाम अच्छा से कंडक्ट किया गया था, इसका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता. दैट मीन्स दिस एग्जाम, दिस होल एग्जामिनेशन शुड बी स्क्रैप्ड एंड शुड स्टैंड कैंसिल. इसको बिगिनिंग से या तो प्रीलिम से शुरू करना है या तो इसको फिजिकल से शुरू करना है, दैट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये एग्जाम को क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए, ये एग्जाम क्यों टोटली आपका स्क्रैप करना चाहिए, इसका अभी पूरा रीजन हमको ये रिचो सर आप लोग को बताएगा. सो मेरा पॉइंट्स यही तक था. थैंक यू. क्या नाम है आपका? माय नेम इट्स गकर रूपा. यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम लोग यहाँ पे जितना भी डिप्राइव ऐसा एक्सपीरियंस है आज हम लोग यहाँ पे आया हुआ है. तो जैसे कि आपको पता है कि ये 5 जनवरी को जो अरेस्ट हुआ है 6 जो अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है यहाँ पे एनोमलीज हुआ है, यहाँ पे पेपर लीकेज बाइंग एंड सेलिंग हुआ है. और हम फिर से बता देना चाहेगा कि सिर्फ 6 तक लिमिट नहीं है, ये 6 जस्ट बिगनिंग है और अभी और अरेस्ट होना बाकी है. और हमारा जो सीबीआई है उसको भी हमने उस दिन जाके मिला कि सर ये इसका रिगार्डिंग अपडेट क्या है, तो सीबीआई सर ने बोला कि अभी वो लोग का जो केस को पढ़ रहा है, तो जैसे ही पढ़ के ख़त्म होगा तो शायद आगे और अरेस्ट होगा. तो उसी के साथ में आज हम लोग का जो सबसे पहला आने का यहाँ पे रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे आज आया है, हम लोग यहाँ पे आज डिमांड करने आए गवर्नमेंट को, हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, गवर्नमेंट आप हम लोग को कैसे जस्टिस देने जा रहा है, हम लोग आज ये सवाल पूछने आया है गवर्नमेंट को कि हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है और ये इनजस्टिस को हम लोग को कैसे पता चला है. ये इनजस्टिस को हम लोग को पता चला है थ्रू ग्यामर पादंग. तो इसलिए हम ग्यामर पादंग सर को हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि अगर वो नहीं होता तो शायद जो इनजस्टिस हम लोग का साथ हुआ है वो कहीं अनदेखा चला जाता और हम लोग को पता भी नहीं चलता. तो इसलिए आज हम लोग ये मन से हम लोग का जो ग्यामर पादंग सर है उसको हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोलता है. और जो हम लोग का एसआईसी है जो दिन रात मेहनत करके जो ये 6 अरेस्ट किया गया है उसके लिए भी हम लोग का एसआईसी सर है जो सर था जितना भी सर रेस्पेक्टेड था सबको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगा कि आप लोग बहुत अपना जो मेहनती से ये अरेस्ट किया है तो सर उसको भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा. और ये आज का जो हम नल एंड वॉइड क्यों डिमांड कर रहे हैं, किसे डिमांड कर रहा है हम ये थोड़ा सा आप लोग को आज बताना चाहेगा. हम सबसे पहले बताना चाहेगा कि ये जो एग्जाम्स था ये एग्जाम्स में मोर देन 17,000 कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ना, 17,000 कैंडिडेट अप्लाई किया था. उधर से आपका जो 8,498 कैंडिडेट्स ये जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होता है ये प्रीलिम्स में बैठता है और बैठ के एग्जाम लिखता है. तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जो इक्वल आर्टिकल जो हमारा जो बेसिक
फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 14, इसके बाद आर्टिकल 16 जो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल नंबर 14 जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, और इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं ग्रॉसली वायलेटेड किया गया है। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो कैंडिडेट पैसा दे पा रहा था, जो कैंडिडेट केस और काइंड प्रोवाइड कर पा रहा था कमीशन वालों को, वो लोग को एक्स्ट्रा से मार्क्स दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे गरीब एस्पिरेंट है, जो पुअर एस्पिरेंट है, उसके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है। और ये जो एग्जाम जो प्रोसेस है ये काफी गलत तरीका से किया गया है। तो हमारा ये जो सबसे पहला जो रीजन है कि क्यों नॉलेज वॉइड करना चाहिए बोले से, जितना भी यहाँ पे 8300 जितना भी कैंडिडेट जो है उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन का, उसका सब वायलेटेड हुआ गया है। तो इसलिए हम लोग कह रहा है कि ये एग्जाम को नॉलेज वॉइड कीजिए, और नॉलेज वॉइड जब करेगा वापस जब री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तब सबको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा ये एग्जाम लिखने को, तब जाके कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस से जस्टिस होगा। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड होना है, कैंसिल करना है गवर्नमेंट के द्वारा से। और सेकेंडली है कि ये जो अभी अरेस्ट हुआ है, ये जो 6 अरेस्ट है, ये 6 अरेस्ट तक लिमिट नहीं है और अरेस्ट होना बाकी है। द थिंग इज कि कब तक वो बाकी जो रिमेनिंग जो कल्प्रिट्स है कब तक अरेस्ट होगा? थिंग इज दैट कि हम लोग को क्या और 5-6 साल रुकना पड़ेगा? ये जो 6 साल जितना भी आगे आने वाला अरेस्ट होने वाला है, ये 6-7 साल तक क्या हम यही केस के लिए यहाँ पे आके अपडेट करते रहना पड़ेगा कि और अरेस्ट करो? ये कब तक चलेगा? कब तक आप इसको हम लोग को गवर्नमेंट आप बताना पड़ेगा, डेफिनेट टाइम आप दीजिए कि इतना समय तक हम लोग इसको टेंटेड और अनटेंटेड हम लोग डिक्लेयर करेगा, वो समय आप हम लोग को दीजिए। अगर आप वो समय आप नहीं दे पा रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से वापस एग्जाम कंडक्ट कराइए। नहीं होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर फर्दर अगर अरेस्ट होता भी है तो हमारे यहाँ पे जो डिप्राइव एस्पिरेंट है ऑलरेडी उसका कहीं ना कहीं एज निकला जा रहा है। अभी कोई कोई 31 एज पे पहुंच चुका है, तो कल को और 2-3 साल लगाता भी है तो वो वापस एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं, और एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं तो ये डबल वायोलेशन होगा, जो फंडामेंटल राइट है वो वापस इसको डिप्राइव किया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग को नहीं दे पा रहा है कि इतना समय तक हम लोग ये जो टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट को हम लोग सेग्रीगेट कर पाएगा, तब तो हम लोग एक्सेप्ट है कि नल एंड वॉइड नहीं कराने से भी हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हम लोग को स्टिपुलेटेड टाइम नहीं दे पा रहा है कि हम इतना समय तक आप लोग को सेग्रीगेट करके दे देगा, देन आई मस्ट से कि हम लोग ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कराना है, और हम फिर से वापस अंडर द सेम ब्लू स्काई हम सब लोग मिलकर बैठेगा और सिर्फ से एग्जाम लिखेगा फिर से, और वहां से जो एग्जाम निकल के आएगा वही जेन्युइन होगा और वही सही में जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा हम उसको मानेगा। और जो ये थर्ड पॉइंट ये है कि अभी तक का जो अरेस्ट हुआ है जो 6 अंडर ट्रेनिंग SI कैंडिडेट है वो उसको आप जब देखेगा ना, जब उसको आप देखेगा तो ये कमीशन वाला जो ताकत जरंग है ये किसी और को नहीं देता है ना, ये किसी और को नहीं देता है, ये किसको देता है? अपना जो भांजा है, अपना जो भतीजा है, अपना जो क्लोज रिलेटिव है उसको देता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरी जो एक सोल क्राइटेरिया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, यहाँ पे तो उसका मुकरी किया गया है। यहाँ पे जो टॉप 10 का अंदर जो है अभी 6 कैंडिडेट था जो सिलेक्ट हुआ था आज वो जेल का अंदर में है, तो ये कहां तक सही है आप बता के देखिए ना। जो आदमी जो चोर को पकड़ना चाहिए था, जो चोर को जेल का अंदर भराना चाहिए था, आज वो खुद जेल का अंदर में है। तो ये एग्जाम क्या है, एग्जाम प्रोसीजर फॉलो क्या है, हम ये पूछना चाहेगा जो कमीशन वाला को। इसके बाद यह हम ये भी बोलना चाहेगा कि ये कमीशन जो है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये किसी ताकत जरांग का या फिर किसी जो ब्रोकर अभी अरेस्ट हुआ है उसका ये पब्लिक अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप चाहे तो अपना बेटा को दे दो, आप चाहे तो अपना बेटी को दे दो, आप चाहे तो अपना भांजा भांजी को दे दो। ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इसको आप अपना फैमिली का अंदर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो अभी तक जो भी अरेस्ट हुआ है ये सभी का सभी एक दूसरे से कनेक्टेड वाला है, ये कहीं ना कहीं अपना ही फैमिली मेंबर्स को ये नौकरी को बांटा गया है। तो इसलिए ये सिस्टम को हम बिल्कुल भी नहीं मानता है। और
वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन था। अगर ये टॉपर जो ये अभी फेक टॉपर जो 230 मार्क्स लेके रखा हुआ है, 210, 25 जो मार्क्स लेके रखा हुआ है, अगर ये लोग ये सब नहीं करता तो और बहुत सारा जेन्युइन कैंडिडेट वहाँ पे लिस्ट पे आ सकता था, है कि नहीं। जो टॉपर ही अभी फेक आपका निकला हुआ है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो हम यही बोल रहे हैं कि हम पहले थोड़ा देर भी बोला है कि जेन्युइन अगर गवर्नमेंट सेग्रीगेट करता है कि ये जेन्युइन है नॉन जेन्युइन है देन वी आर ओके, आप एग्जाम को कैंसिल मत कीजिए ना, तब हम ओके है। तो अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है और उसको आप टाइम बाउंड पे नहीं कर पा रहा है तो दैट द बेस्ट ऑप्शन इज आप फ्री से एग्जाम रिकंडक्ट कराइए और जितना भी कैंडिडेट है उसको फिर से एग्जाम लिखने दीजिए, तो वहां से जो जेन्युइन होगा जो सही में मेरिट बेस्ड में वो सिलेक्शन होगा फिर से, क्या प्रॉब्लम है उसमें। थिंग इज दैट कि सेग्रीगेट करने का जो ऑप्शन है उसको यही होना है कि फर्स्ट मैनर में होना चाहिए, जो सेग्रीगेशन जो होना चाहिए कि आपका स्पीड अप मोड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 7-8 साल के बाद बोलेगा ये तेंते थे अनतेंते थे। तो इमीडिएट जो अभी हम लोग का साथ जो डिप्राइवेशन हुआ है उसको आप कैसे जस्टिस करने जाएगा, हम वही क्वेश्चन पूछेगा गवर्नमेंट को। अगर आप बोलता है कैंसिल एग्जाम को कैंसिल नहीं करेगा तो हम बोलता है कि जितना भी ये फेक टॉपर्स पेपर बाइंग में खरीदा है एक एक पोस्ट को 30-40 लाख में खरीदा है, हम लोग ऐसे सुनने में आ रहा है अभी ना, तो हम बोलता है जितना भी आप 8,498 कैंडिडेट है सबको आप 30 लाख कंपेंसेट कीजिए अगर आप नॉल एंड वॉइस नहीं करता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम को नॉल एंड वॉइस कीजिए, हम लोग को फिर से एग्जाम लिखने दीजिए फ्री एंड फेयर मैनर में, तो यही है हम लोग का डिमांड। तो एंड मोर ओवर अगर जैसे कि पहले बोला था ना कि मैम ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जिन्हें कैंडिडेट्स को कहीं डिप्राइव नहीं हो रहा है क्या, सो सबसे पहले इसीलिए ये सेग्रीगेशन को हम लोगों ने बोला है कि चलो गवर्नमेंट तब तो ऐसा है तो सेग्रीगेट कीजिए विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, बिकॉज हम लोग का भी जो है एज निकला जा रहा है, वी ऑल्सो हैव टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर, वी ऑल्सो हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल ऑफ आवर पेरेंट्स, हम लोग का पेरेंट्स भी बूढ़ा होते जा रहा है, हम लोग को उन लोग का भी नीड्स क्या है, हम लोग का घर का भी नीड्स क्या है वो भी देखना है। सो सेग्रीगेशन विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम आप कर दो कि वो जेन्युइन वाला है उसको नहीं निकाल सकेगा, वो आप कर दो जल्दी। अगर वो जल्दी नहीं कर पा रहा है, अभी 6 अरेस्ट करने में ही आपका नवंबर से लेके जनवरी तक लगा दिया, सो हम लोगों ने तो और नाम दिया था, सो उसमें से तो मतलब अभी सिर्फ 6 ही अरेस्ट हुआ है, सो और नाम दिया वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, तो सेग्रीगेशन या तो जल्दी कर दीजिए नहीं तो नल एंड वॉइड कीजिए। देखिए नल एंड वॉइड का ऐसा है कि अभी हम एग्जाम्पल दे देगा, The Constitution of India, the Supreme Court of India itself says that if the Constitution, the rights, fundamental rights given in the Constitution is violated, if Article 16 is violated in any examination, any kind of examination, that exam stands null and void. The Supreme Court has itself given this direction. The High Court follows this direction. And the direction given by the Supreme Court is final and binding in the territory of India. And Arunachal Pradesh is itself in the territory of India. जब all India exam में AIPMT जैसे exam में AIEEE जैसे exam में अगर एक state हरियाणा में गड़बड़ हुआ है, 6 पेपर वहाँ पे बेचा गया था, out of 20,000 seats 6 पेपर बेचा गया था, 6 पेपर candidates 6 ने ये पेपर लीकेज किया था, लेकिन पूरा इंडिया में ये एग्जाम null and void हुआ है और दोबारा लिखने दिया है। राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ था null and void का एक ये मेल प्रैक्टिसेस का एक प्रॉब्लम हुआ था, द होल एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड null and void एंड दोज हु वर इन सर्विस दे हैड टू रीअपीयर फॉर द एग्जाम। सेम हैपेंड इन मणिपुर, सेम हैपेंड इन आवर नेबरिंग स्टेट असम, व्हाई नॉट सेट एग्जाम्पल इन अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश क्या स्पेशल केस लेके बैठा है क्या? नो, वी ऑल्सो द रूल अप्लाइज सेम, द सेम रूल अप्लाइज फॉर द इंटायर इंडिया, we are a nation, we are a union of nation, and Arunachal Pradesh does not have a special status ki yahan pe nahi hai jinain hai isko aap laga dijiye null and void mat kijiye, nahi aisa nahi hota, sab yahan pe deprived hua hai that means ki exam null and void dena karna chahiye, lekin hum log to yahan pe opinion de kar rakha hai government ko, tab to chaliye aap log segregate kar dijiye, if they are able to segregate the jinain candidates then we are ready to accept them, usme koi problem nahi hai, thank you। बोल रहा है कि आप इसको null and void कीजिए और यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन होना चाहिए टैलेंट बेस पे होना चाहिए, यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए,
ना कि किसी का, अगर किसी का पास लिंक है, किसी का पास पैसा है तो वो सिलेक्शन नहीं होना है, या फिर सिलेक्शन होना है तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के साथ सिलेक्शन होना है, यह हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से। और हम गवर्नमेंट से ये अप्लाई करता डिमांड करता है कि हम लोग का जो हम इतना महीना से यहाँ पे चिल्ला के आ रहा है कि ये एग्जाम हम लोग के साथ डिप्राइव हुआ है, अभी तक हम लोग को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी हम पूछना चाहेगा। हम लोग का साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको कौन जस्टिस करेगा, हम ये पूछना चाहता है गवर्नमेंट को। और हम लोग को कब तक टाइम बाउंड तक जस्टिस मिलेगा, हम ये भी पूछना चाहता है, क्योंकि ये एक कहावत है, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड जो कहा जाता है ना। कल को हमारा एज बढ़ते जाएगा, हम कल को रिपीट एग्जाम लिखने नहीं मिलेगा, तो हमारा साथ ये कहीं ना कहीं डबल जो इनजस्टिस है वो कब को इनजस्टिस होगा। तो इसलिए आप गवर्नमेंट को बोलना चाहेगा कि आप ये एग्जाम को जल्दी से जल्दी कैंसिल कीजिए, और नया से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है अंडर द न्यू, ये जो चेयरमैनशिप अभी जो आएगा उसका अंदर में नया से एग्जाम होना चाहिए, हम ये बोलेगा। इसके बाद ये जो 10 तारीख को पेन अरुणाचल और जो हमारा अंशु और जो ये हमारा गवर्नमेंट के बीच में जो मीटिंग होने जा रहा है उसको हम काफी पॉजिटिवली देख रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो मीटिंग होगा उससे कुछ हम लोग का फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, हम ये एक्सपेक्टेशन करके बैठ रहा है। और जो 10 तारीख का जो मीटिंग होगा उस पर हम लोग भी जो सेक्रेटरियत पे है उस पर हम लोग बाहर पे हम लोग भी आएगा सुनने को कि ये 10 तारीख का मीटिंग में क्या निकलता है।